closely. Mr. Love Kumar, I'm going to begin with you. Kartikeya Singh has a warrant against him. Shouldn't he surrender or seek bail? Instead, he's sewn in as the minister. सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जब तक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई, अभी उनपे कोई कर्सिव स्टेप नहीं लेने का कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है 1 सितंबर तक। उस बीच में वो अपना बेल प्ली फाइल करेंगे, जैसा भी होता है कोर्ट का निर्णय होता है वो सब सर्वमान होगा। और सब जुडिस मैटर पे हम लोग बोलने के लिए भी अधिकृत नहीं है और बोलना भी उचित नहीं होता है, जैसा कि आज मैं रविशंकर जी को देख रहा हूँ था कि वो लेकिन लव कुमार जी कर रहे थे कि जी, मैं समझ रही हूँ ये कोअर्सिव एक्शन के बारे में क्लियरली लिखा है नो कोअर्सिव एक्शन ये ऑर्डर में। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सरकार बन रही थी तो क्या जरूरी था उनको ओथ दिलाना अगर इस तरह का उनके अगेंस्ट में केस पेंडिंग है जब अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। पॉलिटिकल लोगों पे बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, जब तक आप सजा याफ्ता नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कैसे मान लिया जाएगा दोषी। ऐसे तो सारे लोगों पे 42% कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में जिन पर केसेस हैं, 32% ऐसे लोग हैं जिन पर बहुत सारे चार्जेज हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि सबको हटा दिया जाएगा, सबको इस तरह से अगर हटाया जाता तो उसकी पर तो बहुत चार्जेज है। माननीय योगी जी पे आप खुद ही देख सकती हैं कि इतने चार्जेज हैं। गो अहेड, हां बोलिए जी। इसमें 147, 148, 139, 295, 153, 307 इतनी सारी धाराओं पर योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है इस पर। माननीय गृह मंत्री जी पर कैसे कैसे चार्जेज हैं। निखिल आनंद, आप निखिल आनंद, इज द बीजेपी जस्ट लुकिंग फॉर इश्यूज नाउ टू टारगेट दिस गवर्नमेंट? गिव देम टाइम, 100 दिन तो सब सरकार को दिया जाता है, उसके बाद जज किया जाता है। फर्स्ट डे से टारगेट कर रहे हैं आप? नहीं, इसको बेचैनी, मेरा एक मिनट टाइम दीजिएगा, 20 सेकंड टाइम दीजिएगा। बेचैनी ये नहीं है, अभी जो बिहार में विकास की एक नई रफ्तार तेज हुई है, जो हम रोजगार पे इस मुद्दे को लेकर आए हैं, जो हिंदू मुस्लिम पे अटक गया था डिबेट, जो सांप्रदायिक उन्माद पे डिबेट अटक गया था, उसको हम विकास के रास्ते पर ले गया है, उसी को डाइवर्ट करने की साजिश हो रही है। देखिए अगर ये कोर्ट का ऑर्डर जो है वो तो वाकई सीरियस है, लव कुमार जी आप लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं कि चार्ज नहीं है, चार्ज है। अरे जब जिस दिन उनको ओथ दिलाया जा रहा था उसी दिन उनको सरेंडर करना था। सवाल ये उठता है कि वो सरेंडर कर लेते या फिर ये जो ओथ है उनका बाद में दिलाया जाता जब उनको क्लीन चिट मिलता कोर्ट से, ये भी सवाल है। निखिल आनंद, 12 तारीख को ही 1 सितंबर तक उनको समय दिया गया था भाई। लेकिन अगर नहीं, वो हम समझ रहे हैं कि 12 तारीख को समय दिया गया था, लेकिन शुड द गवर्नमेंट, शुड द चीफ मिनिस्टर एंड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैव वेटेड, लेट हिम बी क्लियर्ड बाय द कोर्ट, देयर आर इनफ एंड मोर एमएलएस हु कुड हैव बीन सोन इन, व्हाट वाज द नीड फॉर हैविंग कार्तिकेय सिंह इन द कैबिनेट गिवन द काइंड ऑफ चार्जेस दैट आर देयर अगेंस्ट हिम। यस प्लीज गो अहेड निखिल आनंद। वी आर नॉट एट ऑल डेस्परेट टू unnecessary raise question on the government. Let the government function. But the point is that somebody who is fugitive and somebody who has been denied bail by the High Court and is still taking oath on the day he was about to be present in the court. So the hidden fact, and it is a matter of surprise that the Chief Minister, it is the prerogative of the Chief Minister to know whom he is inducting into the ministry. So he should have checked the background. My point is that, another point is that, Tejaswi Yadav, in the second inning, I thought that he must have matured a lot. The kind of people he has inducted into the ministry as a colleague, that is going to harm him, his image. So we are not strictly, deliberately behind the government, and we want to abuse this and that. Okay.